अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। बाबू, रोहित जी। अरे यार, कोई खास बात? हमारे गांव में एक बाबू साहब रहते थे, उनकी सूरत आपसे मिलती है। मैंने सोचा शायद आप वही हो। सूरत? आपने उनकी सूरत देखी थी? हर आवाज मन में एक तस्वीर बनाती है। आपकी आवाज सुनकर पता नहीं क्यों बाबू का चेहरा उभरता है। हाँ, बहुत आवाजें एक जैसी होती हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं रोहित जी? जी। अगर आप किसी लड़की से बहुत प्यार करते, हालात की वजह से वो आपसे बिछड़ जाती, वक्त गुजरने पर वो आपके सामने फिर से एक बार आ जाती, फर्क सिर्फ इतना होता इस बार वो किसी और की होने जा रही है, तो आप क्या करते? चुपचाप तमाशा देखते या उसे अपना लेते? ऐसे सवालों का क्या फायदा दुर्गा जी, मरे हुए लोग लौट कर नहीं आते। मैंने तो बिछड़ने की बात की, मरने की बात की नहीं रोहित जी। जीते जी अपने प्यार से बिछड़ जाना मरने के बराबर होता है ना दुर्गा जी। आप ठीक कह रहे रोहित जी, ठीक कह रहे हो। दुर्गा, कहाँ जा रही हो? मैं जी वो क्या छुपा रही हूँ मुझसे? मैं छुपा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं। मैं देख रहा हूँ जब से हमारी मंगनी हुई है तुम चुपचाप सी रहती हो, खुश नहीं हो तुम? बहुत खुश हूं सच। झूठ, जो लड़की मेरी आंखों में आके डाक कर मुझे डांट सकती थी वो आज मुझसे नजरें चुरा रही है। तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी चोरी साफ नजर आ रही है। आप क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लगता है तुम कुछ नहीं बताओगी, मुझे ही बताना पड़ेगा। जानती हो तुमने मुझसे क्या चुराया है? मेरा दिल। और ये गलती करने के बाद तुम एक और गलती करने जा रही हो। अब कैसी गलती? ऐसे मौसम में हमसे दूर रहने की। मतलब? ये हमारे प्यार की पहली बरसात है, और कहते हैं जो प्रेमी इस बरसात में भीग जाए उनका बंधन अटूट हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। कम ऑन, कम ऑन। ए दुर्गा, आई लव यू।
बंटी तुम्हारा बाबू है? ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। ये भी तो हो सकता है कि मेरा शक सही हो। बाबू की ही आवाज, बाबू की तरह इनका भी एक्सीडेंट, बाबू की तरह इनका वापस आना। तुम्हारा बाबू मर चुका है दुर्गा, अगर जिंदा है तो तुम्हारी उम्मीद। तुम्हारी शादी होने जा रही है दुर्गा, राज तुम्हारा भविष्य है और तुम अपने अतीत का दामन पकड़े हुए हो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबा, ये सच जाने बिना मैं शादी नहीं कर सकती। आपने तो बाबू को देखा है ना, आप रोहित को देखकर बता सकते हैं कि वो मेरे बाबू हैं या नहीं, आप पहचान सकते हो उन्हें। देखो दुर्गा, मैं तुम्हारे इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकता। बाबा अगर आप चाहते हैं कि मैं राज को अपने दिल में बसा लूं, तो मुझे बाबू की यादों की चिता जलानी होगी और ये मैं आपके बगैर नहीं कर सकती। वो देखिए बाबा, राज के साथ जो बैठे। मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। क्या कह रहे हो पापा? आपको पूरा यकीन है आपने नहीं देखा? मुझे पूरा यकीन है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रोहित तुम। मुझे लगता है कि तुम्हें राज और दुर्गा को सब कुछ बता देना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है डॉक्टर साहब, मेरे मरे हुए रहने में राज और दुर्गा की भलाई है। तुम समझ नहीं रहे हो रोहित, अगर तुमने मुझे पहले फोन नहीं किया होता तो मैं दुर्गा के सामने इस तरह अनजान नहीं बनता, तुम्हें पहचान लेता। इस बार तुम बच गए हो, लेकिन कभी उन दोनों में से किसी को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कल मेहंदी है, परसों शादी, हवन कुंड की आग में सारा दीप जलकर राख हो जाएगा। उसके बाद मैं राज और दुर्गा की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। राज, राज, राम सिंह, एक ही ख्वाहिश थी मेरी कि एक दिन तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी मिले और तुम मुझे देख सको, और जब ऐसा हुआ तो मुझे ही तुम्हारे साथ आंख में चोली खेलनी पड़ी, तुमसे छुपना पड़ा। लेकिन अब छुपने के लिए भी जगह नहीं है दुर्गा। क्यों बाबू?